हो, यहाँ की पुलिस वाली कार तो देखो, BMW। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाईलैंड एंड फ्रॉम लाओ ऑल्सो। ये गुड मॉर्निंग बहुत स्पेशल है बिकॉज ये जो जगह है, ये जो होटल है जहाँ पर हम रुके हैं, ये है थाईलैंड और वो नदी के उस पार, वो है लाओ। मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जहाँ से एक देश से दूसरे देश को देख सकते हो। वैसे नदी पार करके जा सकते हैं, पकड़ ली गई पुलिस बिना वीजा के चेक के, तो वहाँ जाऊँगा तो फिर वापस नहीं आ पाऊँगा। बट यहाँ पर जो नदी के अंदर जो मछलियाँ होंगी ना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने को जरूरत है, इंसानों को जरूरत है, क्योंकि अपन बहुत कांड करने वाले लोग हैं ना। मज़ा आया यार आज सुबह सुबह जब मैं उठा था वीडियो एडिट करने के लिए, और ऐसे सनराइज़ होता हुआ मैंने देखा है यहाँ से, और सन बिल्कुल ठीक वहाँ से निकला था। काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के, और बहुत सारे दिमाग में थाट्स आ रहे थे कि यार कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँच गए। थैंक यू गॉड। यहाँ से थाईलैंड और लाओ का बॉर्डर बहुत करीब है, तो आज हम लाओ में जाएंगे और मज़ा आएगा। ये मेरा रूम है, कुछ खास नहीं है रूम में, बस देख लो ऐसे ही, कुछ नहीं है बस। अब लाओ देखेंगे, लेकिन म्यांमार के होटल ज़्यादा अच्छे थे थाईलैंड से। यहाँ पर सर्विसेज इतना कोई देखता नहीं है, ग्रांटेड लेते हैं सब, लेकिन म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा इज्जत, सर्विस और सब कुछ अच्छा था। एक चीज़ और है, जो गाइड है हमारा, ये हमारे साथ लाओ तक नहीं आएगा। सारा का सारा सामान गाड़ी में नहीं रखने का, अभी अपने को बाइक में पूरा एडजस्ट करना है, तो ये भी एक घंटे का काम है। जो मैंने प्लान बनाया था मुंबई में कि सुबह उठ के ब्लॉग करना और सुबह अपलोड करना, मतलब दिन की शुरुआत सुबह से होनी चाहिए, वो थाईलैंड में हो गई है, म्यांमार में हो गई है। बस ये कंटिन्यू रहना चाहिए इंडिया में भी, तो मज़ा आ जाए। आप लोगों को 11 बजे फिर वीडियो देखने भी मिलेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। स्वागत है आप सभी लोगों का XBHP डोमिनो द ग्रेट एशियन ओडिसी की एपिसोड नंबर 6-7, भूल गया, सुबह से उठने का सब भूल जाता हूँ मैं। ये बैग ना मेरे को बड़ा सही लगा, कार्बोनाडो का, बहुत मजबूत है यार ये। लैपटॉप तो एकदम सेफ है इसके अंदर। बाइक राइडिंग कर रहे हो और आपके पास ये बैग है तो सब सेफ है। और क्या व्यू है यहाँ का यार, ये देखें, ये सारी मछलियाँ ट्रैवल करती हैं थाईलैंड टू लाओ विदाउट वीजा। जॉइंट कैटफिश। व्हाट इज दिस रिवर्स नेम? मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर, वेरी फेमस। मेकोंग, द ग्रेटर मेकोंग। Yeah, actually Mekong. Mekong. Mekong River. These are the fishes found in this river, right? Yeah. कितने friendly आदमी हैं। You see this one? Yes. Oh, what is this? License plate from our guests. Okay. When they go back home, they send it to us. Oh, I could see there are boats also. We can go to boat, right? Yeah, you can go to Luang Prabang. Okay. Luang Prabang is a world heritage in town. Okay. It's named. It's recognized by UNESCO. Okay. So it's a good place to go. I think you're planning to go to there. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Here's the key. We are going outside to eat something. Okay. Thank you. Khapkum kha. Khapkum. Khapkum krab. Khapkum krab. Yeah. Khapkum kha. Enjoy your trip. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. काफी friendly थे यार ये लोग, और इन लोगों ने हमें वो document दिया, visa copy दिया, and इमिग्रेशन फॉर्म भी दिया जो कि हमें बॉर्डर पे काम आएंगे। वाओ, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड आई गेस सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं विद द बाइक। ओ यस, विद द बाइक मेरे को भी जाना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू लाओ। आपका इंडियन बॉय क्रॉसिंग थाईलैंड बॉर्डर बाय ऑन डोमिनार बाय रोड। हाथ दुख गया। आज मिला है ढंग का ब्रेकफास्ट, देखने में तो ढंग का ही लग रहा है। खाए थे हमारे सनी पाजी। सनी पाजी अच्छा है, ढंग का है। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहा है अभी तक, मतलब दिस इज अमेजिंग बिकॉज अगेन रोड से जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ एयरपोर्ट। जैसे म्यांमार में लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी होने वाली है। यहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, कर ले। अभी हम अपनी राइड शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर कैफे में बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और अपने लास्ट कल के दिन वाला ब्लॉग देख रहा था। कल के दिन शूट किया हुआ गोप्रो का फुटेज देख रहा था, सेम वापस माइक का प्रॉब्लम हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। पूरा मैंने अपनी तरफ से जुगाड़ किया हुआ है लेकिन कहाँ से इशू हो रहा है
कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है अब समझ में नहीं आ रहा है, सब करके देख लिया। अब बस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सही सलामत चल जाए, अगर नहीं हुआ तो इस कैमरे से ही सिर्फ ब्लॉग होगा, बाइक वाला ब्लॉग हो नहीं पाएगा। बाकी सब बढ़िया, अभी निकल रहा है, लेट हो चुका है हमेशा की तरह, कोई बड़ी बात नहीं। आई होप अभी माइक ठीक से चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो कोई गल नहीं, काम चला लेंगे। मज़ा आया थाईलैंड की सड़कों पर गाड़ी चलाने को, अच्छी मेमरीज़ साथ लेके जा रहा हूँ, अच्छी मेमरीज राइडिंग के, खाने के नहीं, खाने का इल्ला आई डोंट लाइक खाना। लोग अच्छे मिले हैं यहाँ पर, जगह अच्छी थी, सब अच्छा था। अभी जैसे हम लोग चल रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड पैरेलल में रिवर है, तो हम ऐसे जाएंगे और रोड से रिवर को क्रॉस करेंगे और आ जाएगा लाओ। जो लिखा हुआ है वैसे अगर पढ़े तो लाओस है, बट यहाँ के लोग लाओ बोल रहे हैं उसको, तो मैं भी लाओ बोलूँगा। लाओ हमारे पैसे लाओ, सत्या मेरे पैसे लाओ, हमारे लिए मिलियन सब्सक्राइबर लाओ। शियांग कॉन्ग बाउंड्री पोस्ट, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है म्यांमार से, जो हमने म्यांमार में देखा था बॉर्डर क्रॉसिंग वाला एरिया वो। ओके पहुंच गए हम लोग थाईलैंड लाओ बॉर्डर। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता, कहाँ जाना है क्या करना है पूछ पूछ के करना पड़ेगा। सुनील जी मेरा पासपोर्ट आपके पास है ना? शियांग कॉन्ग इमिग्रेशन, यहाँ से हमें वीज़ा एग्जिट करना है। ओहो यहाँ की पुलिस वाली कार तो देखो, BMW 3 सीरीज होगी ये। ओके सो सारा प्रोसेस यहाँ का कंप्लीट हो गया, अब उस तरफ का प्रोसेस बचा है। हाय नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू टू, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू, या विल सी यू सून। या नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये थाईलैंड में आने का टाइम, ये निकलने का टाइम, ये भी कंप्लीट हो गया, ये म्यांमार में आने का और निकलने का ये भी कंप्लीट। अभी करना है बॉर्डर क्रॉसिंग, तीसरी कंट्री। एक्साइटेड, चलिए 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 चलिए, गेट ओपन और ये हम पहुंच गए लाओ। लाओ मेरी जान, माय मिस्टेक, लाओ से भी आया नहीं है ये। यहाँ पर वीज़ा लेने के बाद जब हम अंदर घुसेंगे तो ऑफिशियली लाओस आ जाएगा, ना लाओ का है ना थाईलैंड का है, ये बीच का जगह है मेरे को लगता है। अरे कहाँ जाना है, ये 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 वाला रिवर ये है, ये पहला स्पीड ब्रेकर। आ गए लाओ, वीजा ऑन अराइवल। तो यहाँ का अभी प्रोसेस पूरा डन हो चुका है, वीजा का स्टैम्प जो है ना यहाँ का, देखें आप सबसे कूल सबसे अच्छा वीजा स्टैम्प जो लगा मुझे वो लाओ का लगा, मतलब क्या फिनिशिंग है, मज़ा आ गया, ऐसा होना चाहिए वीज़ा। अभी मेरे ख्याल से एक प्रोसेस और बचा है, उसके बाद वी आर गुड टू गो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टाइम जाता है इसमें। चलिए चलिए चलिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी लगभग 3:30 बज रहे होंगे। आ गए हम लोग लाओ में, इस कंट्री में पहुंचने का कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी हमारा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट किया गया रिश्वत खाने के चक्कर में। राइट साइड से गाड़ी चलाना है हमें, ये सिग्नल था कि भैया आराम से चलाओ, ये थाईलैंड नहीं है ये लाओ है।
ओके, यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से पानी ब्रेक के लिए रुका गया था और 5 मिनट में पूरा गांव आ गया था। सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे और सब यहाँ पर हाय हेलो करते हैं। अरे 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 पीस। लोग अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर। टाटा बाय बाय। ज्यादातर ना इस रोड पे मैंने ना ट्रकें देखी है, प्राइवेट कार बहुत कम देखने को मिली है। इससे ये पता चलता है कि ये जो रोड है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होता है। ऑफ कोर्स होता होगा बिकॉज बॉर्डर है थाईलैंड का, लेकिन लोग यहाँ पर डेली कम्यूट नहीं करते हैं। ओए 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 आंटी जी क्या कर रहे हो आप, हार्ट अटैक दे देते मेरे को भी तो, दिल की धड़कने तेज हो गई मेरी यार, ऐसा कुछ करता है। यहाँ के लोग खुशनुमा है और काफ़ी फ्रेंडली है हमारे इधर, लोग फ्रेंडली मिलते हैं यहाँ। आई लाइक दैट एक्सेप्ट पुलिस वाले लोग। ऑलराइट फाइनली पहुंच गए हमारे होटल। ये ताजमहल तो नहीं है, इतना बड़ा होटल, ये तो काफी बड़ा होटल है। शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह।